मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में अरकाने पार्लियामेंट की 6 हफ्तों के वक्फे के बाद ऐवान में वापसी। हुकूमत को अपोजिशन की जानिब से अहम मसाइल पर कड़ी तनकीद का सामना। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि हुकूमत मुतवस्सित तबके पर तवज्जो मरकूज कर रही है। कैनेडियन हुकाम की जानिब से चीनी हुकूमत से मुंसलिक कंपनी के आलात की तहकीकात। हुकाम का कहना है कि कैनेडियन शहरियों की सलामती को कोई खतरा नहीं, सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया गया। कैनेडियन शहर टोरंटो में शदीद सर्दी की पेशगोई। शहरी हुकूमत की जानिब से 4था वार्मिंग सेंटर खोल दिया गया। हुकाम का शहरियों को घर से बाहर जाने से कबल मौसमी हालात का जायजा लेने का मशवरा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अस्फहान हमले के पीछे इसराइल का हाथ लगता है। अमरीकी अखबार का हमले में इसराइल के मुलव्वस होने का दावा। ईरान ने अपनी तंसीबात पर हमले को नाकाम करार दे दिया। अमरीका ने यूक्रेन को मायूस कर दिया। F-16 जंगी तैयारे देने से साफ इनकार। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि F-16 तैयारों पर यूक्रेन से कोई बातचीत नहीं हो रही। जर्मनी का यूक्रेन को लड़ाका तैयारों की फराहमी से इनकार। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजा, गेट स्टार्टअप वीजा, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजा। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कनाडा में अरकाने पार्लियामेंट 6 हफ्तों के वक्फे के बाद ऐवान में वापस आ रहे हैं, जिन्हें अहम मामलों पर ओपोजिशन की जानिब से तनकीद का सामना है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में अरकाने पार्लियामेंट 6 हफ्तों के वक्फे के बाद ऐवान में वापस आ रहे हैं। लिबरल हुकूमत को मुतादिद इखलाकी गलतियों और कनाडा के सेहत की देखभाल के निज़ाम की अफसोसनाक हालत के बारे में ओपोजिशन बेंच के जारहाना सवालात का सामना करना पड़ रहा है। 2 मसाइल जो इस मौसम बहार की नशिस्त पर गलबा हासिल करने के लिए तैयार हैं। इखलाकियात के महाज पर कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलीवर्ट ने लिबरल हुकूमत से मुतालबा किया कि उसने कितनी रकम दी है उसकी इत्तला एक मशावरती फर्म को दी जाए, जिसने पिछले 7 सालों में $10 मिलियन के सरकारी मुहायदों को हासिल किया है। इखलाकियात के महाज पर कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलीवर्ट ने लिबरल हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उन अखराजात की रिपोर्ट पेश करे जो उसने एक मशावरती फर्म को दिए हैं, जिसने गुज़िश्ता 7 सालों में $10 मिलियन के सरकारी ठेके हासिल किए हैं। अमरीका में मुकीम मैक कैंसी, जिसे ओपियड बहरान में अपने माजी के किरदार पर तनकीद का सामना करना पड़ा है, जिसे डोमैंग बार्टन चला रहे थे, जिन्हें ट्रूडो ने चीन में कनाडा का सफीवियर लगाने का ऐलान किया था, ने दीगर मामलों के अलावा इमिग्रेशन के मसाइल पर वफाकी ब्यूरोक्रेसी को मशवरा दिया है। पॉलीवर ने कहा कि ये वाज़ेह नहीं कि हुकूमत को मुआवजे के बदले माकूल काम मिला है। उनका कहना था कि इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा तकरीबन 2.2 मिलियन केसेस के बैकलॉग से निमट रहा है, क्योंकि ये दरख्वास्तों का जायजा लेने के लिए काम करता है, जबकि बहुत से कैनेडियन मुतजलजल मईशत और आसमानी महंगाई से नबरदाजमा है। पॉलीवर ने कहा वो लोग जो ट्रूडो के आसपास मौजूद हैं, जैसा कि मैकेंसी में आला कीमत वाले मुशीर हैं, पहले से बेहतर काम कर रहे हैं। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि उनकी हुकूमत मुतवस्सित तबके पर तवज्जो मरकूज कर रही है, जबकि कंजर्वेटिव कटौतियों और किफायत शुआरी पर जोर दे रहे हैं और कैनेडियंस के लिए वहां नहीं है। कैनेडियन RCMP के एक सीनियर अहलकार का कहना है कि चीन की हुकूमत से मुंसलिक कंपनी से हासिल किए गए आलात की जाँच कर रहे हैं, ताकि किसी भी खतरे की निशानदेही की जा सके। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
RCMP के एक सीनियर अहलकार का कहना है कि ये फोर्स चीन की हुकूमत से मुंसलिक कंपनी से हासिल किए गए आलात की जांच कर रही है ताकि किसी भी खतरे की निशानदेही की जा सके। नेशनल पुलिस फोर्स ने गुज़िश्ता साल एक कंपनी के साथ मुआहदा कर दिया था जो चीनी टेली कम्युनिकेशन फर्म की मिल्कियत थी, जिसमें चीनी हुकूमत सरमाकारी के जरिए 10% मिल्कियत रखती थी। RCMP के डिप्टी कमिश्नर ब्रायन लार्कन, जो खसूसी पॉलिसिंग के इंचार्ज हैं, उन्होंने पीर को हाउस ऑफ कॉमन्स की एक कमेटी को बताया कि आलात में RCMP रेडियो मवासलात तक रसाई की तकनीकी सलाहियत नहीं है। उन्होंने कहा कि फोर्स अब भी मुल्क भर में आलात का बेतरतीब ऑडिट कर रही है, जिनमें बैग्स या दीगर हिफाजती खला तलाश कर रही है। हमने दर हकीकत ऑन्टेरियो में एक रेडियो टावर से मस्कूरा कंपनी की रेडियो फिल्ट्रेशन डिवाइस आलात का एक टुकड़ा ले लिया है। हमारी टीम ने किसी भी मौके को देखने के लिए इसे डीकंस्ट्रक्ट किया है, चाहे इससे समझौता किया गया हो आया इसमें किसी किस्म के आलात थे। उन्होंने मजीद कहा कि RCMP रेडियो कम्युनिकेशंस को एंड टू एंड इंक्रिप्शन से महफूज किया जाता है। पब्लिक सेफ्टी के वजीर मार्को मेंडिचिनो ने इस कमेटी को बताया, हमें यकीन है कि इस अमल में सिक्योरिटी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इस बात पर यकीन करने की कोई वजह नहीं है कि कैनेडा की कौमी सलामती किसी भी वक्त खतरे में थी। कैनेडा के शहर टोरंटो में शदीद सर्दी का अलर्ट जारी किए जाने के बाद चौथा वार्मिंग सेंटर खोल दिया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडा के शहर टोरंटो में शदीद सर्दी का अलर्ट जारी किए जाने के बाद चौथा वार्मिंग सेंटर खोल दिया गया। मंगल के रोज शहर का दर्जा हरारत दिन के औकात में -4 और रात के औकात में -10 तक जाने की तवक्को है। एक न्यूज रिलीज में शहरी हुकाम ने कहा कि वो सीसल कम्युनिटी सेंटर में चौथे मुकाम का भी ऐलान कर रहे हैं। नया मरकज सर्दियों के मौसम से मोहलत के ख्वाहां अफराद के लिए खाली जगहों की कुल तादाद 140 से जायद कर देता है, जिनमें से 75 शहर के मरकज में वाक़े हैं। शहर ने कहा कि अगर वार्मिंग सेंटर की गुंजाइश है तो ये किसी ज़रूरतमंद को दूसरी जगह ले जाने में मदद करेगा। गर्मी के मराकज उस वक्त खोल दिए जाते हैं जब टोरंटो के मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ की तरफ से शदीद सर्द मौसम का अलर्ट जारी किया जाता है। आमतौर पर जब मौसम -15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को की जाती है, ये ताज़ा तरीन अलर्ट अगले 24 घंटे या उससे ज्यादा सर्द मौसम की तवक्को में जारी किया गया था। पीर की शाम को शहर का कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जिसका एहसास -18 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा था। यह ऐलान हालिया हफ्तों में शहर के अपने वार्मिंग मराकज को संभालने के बारे में अवामी जाँच पड़ताल के बाद सामने आया है, जब टोरंटो और GTA में मौसम सरमा के तूफान आए थे। शहर के अपने अदाद शुमार से पता चलता है कि तकरीबन 9,000 लोग इसके शेल्टर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कि इस सिस्टम ने दिसंबर के महीने में एक रात में 100 से ज्यादा अफराद इस सहूलत से महरूम रहे। सिटी ऑफ टोरंटो रिहायशियों से कह रहा है कि वो 311 पर कॉल करें अगर वो किसी बेघर शख्स को देखते हैं जिसको सड़क पर पहुँचने में मदद की ज़रूरत हो सकती है, या अगर ये हंगामी सूरत हाल हो तो 911 पर कॉल करें। लोगों पर जोर दिया जा रहा है कि वो बाहर जाने से पहले मौसम का जायजा लें, तहों में कपड़े पहने, टोपी पहने, गर्म मटन या दस्ताने और गर्म जूते पहने। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि वाशिंगटन ने ईरान में किसी फौजी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि वाशिंगटन ने ईरान में किसी फौजी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया, जिससे जाहिर होता है कि अस्फहान में एक फौजी फैक्ट्री पर ड्रोन हमले के पीछे इसराइल का हाथ है। जबकि अमरीकी अखबार में दावा किया गया है कि यह हमला इसराइली गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने किया और अस्फहान में ईरानी वजारत दिफा की एक तनसीब को निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि 3 छोटे ड्रोन ने उसकी एक फौजी तनसीब पर हमला किया था, लेकिन इसका दावा है कि यह हमला नाकाम रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ईरान में एक फौजी कारखाने पर किए गए हमले की तफसीलात से वाकिफ जराए के हवाले से बताया है कि इसराइल का ख्याल है कि इतवार की रात ईरान में किए गए हमले के मकासद और अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। ईरानी वजारत दिफा ने बयान में हमले में मुलविस फरीक का हवाला नहीं दिया और इसराइल ने सरकारी सतह पर अस्फहान बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अलबत्ता जराए का कहना है कि यह हमला इसराइल की मदद से किया गया है। दूसरी जानब अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा कि कोई भी अमरीकी फौजी ईरान में हमलों में मुलविस नहीं था और उन्होंने मजीद तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अस्फहान में होने वाली कार्रवाई से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया अरसे में तेहरान के हवाले से वाशिंगटन का मौकफ ज्यादा सख्त हो गया है। ये बयानात हफ्ते की रात अस्फहान में होने वाली कार्रवाई से वाकिफ अमरीकी हुकाम और लोगों की जानिब से उस इंकशाफ के बाद सामने आए हैं कि इसराइल ने ईरान में एक दिफाई कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाते हुए एक खुफिया ड्रोन हमला किया था।
ईरानी खलाई तहकीकी मरकज़ जिस पर अमरीका ने ईरान में अपने काम के लिए पाबंदियां आयद कर दी थीं से ताल्लुक रखने वाले ईरानी हुकाम ने कहा कि ईरान ने 3 ड्रोन्स के ज़रिए हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया जिसने असवहान शहर में एक गोला बारूद की फैक्ट्री को निशाना बनाया था। ईरान ने कहा था कि उसके फिजाई दिफा ने एक ड्रोन को मार गिराया था जबकि 2 दीगर गोदाम के ऊपर फट गए थे जिससे छत को मामूली नुकसान पहुँचा। अमरीका ने यूक्रेन की जानिब से मुसलसल तकाजों के बावजूद उसे F-16 जंगी तैयारे देने से साफ इनकार कर दिया है जबकि रूसी हमलों में तेजी आ गई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीका ने यूक्रेन की जानिब से मुसलसल तकाजों के बावजूद उसे F-16 जंगी तैयारे देने से साफ इनकार कर दिया जबकि रूसी हमलों में तेजी आ गई है। जर्मनी ने यूक्रेन को Leopard 2 जंगी टैंकों की फराहमी के ऐलान के चंद दिन बाद लड़ाका तैयारों की फराहमी से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब रूसी फौजियों ने ताज़ा हमलों में मजीद इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में एक सहाफी के यूक्रेन को F-16 जंगी तैयारे फराहम करने के सवाल पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने साफ इनकार करते हुए कहा कि अमरीका यूक्रेन को F-16 जंगी तैयारे नहीं देगा और ना ही इस हवाले से यूक्रेन से कोई बातचीत हो रही है। जो बाइडन का ये बयान यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इस बयान की थोड़ी देर बाद सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन की मज़ाहमत का बदला मशरिकी हिस्से में मुसलसल हमलों से लेना शुरू कर दिया है। इससे कबल जुमे को यूक्रेन के वजीर दिफा के एक मुशीर ने कहा था कि पिछले हफ्ते टैंकों की फराहमी के बाद यूक्रेन की कोशिश है कि वो मगरबी ममालिक से 4th जनरेशन जहाज हासिल करे जिसमें F-16 भी शामिल है और अब रूस के खिलाफ बड़ी रुकावट यही जहाज होंगे। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर ने कहा कि उनकी तवज्जो जर्मन साख्ता Leopard 2 टैंकों की फराहमी पर है। हकीकत यह है कि हमने अभी टैंक भेजने के बारे में एक फैसला किया है लेकिन लड़ाका तैयारों के हवाले से एक नई बहस शुरू हो गई है जो कि फजूल है। उन्होंने रूसी सदर प्यूतन के साथ रابطे की तस्दीक करते हुए कहा कि हमें एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है लेकिन मैं हमेशा वाज़ेह रहा हूं कि यूक्रेन पर रूस का हमला कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है और सिर्फ रूस की फ़ौजों के इनखिला से ही सूरत हाल हल हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी मुसलह तनाज़े को आइंदा माह फरवरी में 1 साल हो जाएगा। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। News are precise and effective.